नेट जा रहे फिदा दीदी, मैं अदिति आज एक और मैथ्स की शानदार ट्रिक लेकर आप लोगों के सामने हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, थंबनेल पर मैंने बनाई है आप लोगों के लिए ट्रेन, यानी कि आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो मोस्ट फेमस स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के एक टाइप का क्वेश्चन है जिसे करना हम सीखने वाले हैं, जिसमें आपको ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर कोई ट्रेन किसी एक पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट को पास करती है तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना होता है, कितना टाइम लगता है। या फिर आपसे बोला जाता है कि कोई एक पोल खड़ा है, कोई एक आदमी खड़ा है ना, आप दूसरे प्लेटफॉर्म को साथ में क्रॉस कर रहे हो, किसी टनल को एंटर कर रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं और एवरेज स्पीड या फिर आप लोगों से टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस निकलवाया जाता था। तो ये सारे क्वेश्चंस करने में जिनको भी प्रॉब्लम होती है, आज कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जो ट्रिक सिखा रही हूँ उससे आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग शेयर करेंगे और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि मीनिंगफुल कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर आता है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसकी क्या ट्रिक है या कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप लोगों को दिया हुआ है कि कोई एक ट्रेन है जिसकी स्पीड गिवन है आप लोगों को 75 mph। अब ये mph जो है वो मैं माइल्स कंसिडर करूंगी क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर माइल्स ही गिवन है ना, और कोई यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इसीलिए मैं कंसिडर करने वाली हूँ कि ये लिखा है 75 miles per hour, यानी कि आपकी कोई एक रेलगाड़ी है जो कितनी गति से चल रही है, 75 mph ये चल रही है। अब आप लोगों से देखिएगा आप लोगों को बोला रहा है कि यहाँ पर जो ये ट्रेन है, ये जो रेलगाड़ी है, ये किसी एक टनल के अंदर चली जाती है और जो टनल है ना ये आप लोगों को दिया हुआ है 3.5 miles long, यानी आप लोगों को टनल की भी साइज गिवन है, आपको ट्रेन की भी साइज गिवन है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पूरे टनल को क्रॉस करने में इसे कितना समय लगने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए मैं आपको डायग्राम से बनाती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स और आसान हो जाती है अगर आपको उसका डायग्राम बनाना आता है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बना दें। मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक टनल है, टनल की मुझे लेंथ ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है, 3.5 miles। टनल के अंदर क्या हो रहा है कि कोई ट्रेन है जो एंटर कर रही है जी, ठीक है ना, कोई ट्रेन एंटर कर रही है, यहाँ पर बैठे हैं इनके लोको पायलट, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है तो ऐसी ही बनने वाली है, पर ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ भी आप लोगों को गिवन है कितनी, 1.4 या 1/4 miles। समझ गए। अब ये टनल पे ट्रेन जा रही है, ऑब्वियसली यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से जो है वो एग्जिट लेने वाली है, यानी कि कुल मिला के अगर हम मान ले तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, आपकी ये जो ट्रेन है ये पूरा का पूरा ये वाला डिस्टेंस भी मेजर करने वाले हैं हम लोग। और एक बात मुझे बताइएगा, अगर मैं आप लोगों को टोटल डिस्टेंस पूछूं तो क्या मैं सिर्फ ये वाले पॉइंट को कंसिडर करूंगी ट्रेन के या फिर यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीट पॉइंट को। मेरे कहने का मतलब है, देखिएगा मैं आप लोगों को इसका दूसरा सिनेरियो बना रही हूँ, जबकि ये ट्रेन इसके अंदर जा चुकी है। अब एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जब यहाँ पर जो है वो ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा रह जाता है और आगे वाला हिस्सा ऑलरेडी निकल चुका है ना, तो यानी कि जब तक मैम ये वाला पार्ट नहीं क्रॉस कर लेगा टनल को, मैं मानूंगी नहीं कि पूरा ट्रेन टनल को क्रॉस कर चुका है। बस यही यहाँ पर ट्रिक है आप लोगों को समझने की। एक्चुअली में देखिए होता क्या है, मैं आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पर सिनेरियो रहता है आप लोगों का बहुत ही सिंपल। कैसे सिंपल रहता है, आप लोगों को हमेशा देखना है कि आप लोग किस चीज को क्रॉस कर रहे हो, यानी कि जो आप लोगों की ट्रेन है वो क्या एक पॉइंट सोर्स को क्रॉस कर रही है। पॉइंट सोर्स से मेरा मतलब ये हो सकता है जिसकी खुद की कोई लेंथ ही ना हो, किसी ऐसे सोर्स को क्रॉस कर रही है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन में दे दे कि किसी एक मैन को, किसी एक पोल को, किसी भी एक पॉइंट को, है ना, ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है। कोई एक बंदा है, खड़ा है, फ्लैग हिला रहा है और ट्रेन ने इसे क्रॉस किया, तो भाई वहां पर उस आदमी की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है इन कंपेरिजन टू दिस ट्रेन। बट यहाँ पर टनल जो है उसकी खुद की लेंथ जो है वो हम क्या नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ कवर करना है ना वो होगा आपका 1/4, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ होती है वो, और साथ ही साथ 3.5 miles long टनल, तब जाके मैं मानूंगी कि ये आप लोगों का क्या आया है, टोटल डिस्टेंस आया है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलूं टोटल डिस्टेंस निकालना है तो कितना आ जाएगा, 1/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है तो 3 2 6 + 1 7/2, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि देखो आगे बहुत सारी वैल्यूज है तो कटेंगे तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे।
चलिए अब आप लोगों को अच्छे से पता है, देखो जी स्पीड बराबर होता है मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं बोल देती हूँ टाइम निकालना है यहाँ, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आइए निकालते हैं, यानी कि आप लोगों को टोटल डिस्टेंस लगाना है, दैट इज 1/4 प्लस 7/2, और टाइम कितना गिवन है, टाइम सॉरी स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड मुझे गिवन है 75 माइल, ये भी थोड़ा माइल के अंदर है पूरा का पूरा, पर आवर, तो पर आवर है तो ऊपर जाके इनटू हो जाएगा। अब क्योंकि आंसर सारे के सारे मिनट के अंदर गिवन है, तो भाई जो भी आंसर आएगा मैम वो आपका आंसर तो आर के अंदर आएगा, तो भाई इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 60 से। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैम एक घंटे के अंदर होते हैं टोटल 60 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर दिया जी, और कुछ नहीं किया। ये लीजिए अब यहाँ माइल से माइल कैंसिल, और ये आंसर आप लोगों का आ जाएगा मिनट के अंदर, बस इसे सॉल्व करना है, आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। चलिए जी तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं मैं एलसीएम, ठीक है जी, जगह की थोड़ी कमी हो गई है तो आप मान लीजिएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा जी 4/75, तो वैसे ही चल रहा है, और 1+14 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 यहाँ चल रहा है, इसको आप 12 से काट दीजिए तो 12 से 5 बारी कट जाएगा, और ये 4 बारी कट जाएगा, ये वाला जो 4 है ये नीचे आएगा, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा केवल 3, यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का 3 मिनट्स, जो की बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को बता दूं कि आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ इसी टाइप के नहीं, मैं आप लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सिखा चुकी हूँ, कि अगर हम किसी पॉइंट सोर्स जिसकी खुद की कोई लेंथ ना हो, है ना, कोई भी ट्रेन अगर किसी एक आदमी को, किसी एक झंडे को, किसी एक पोल को, किसी भी एक ऐसी चीज को क्रॉस कर रही हो जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं है, तब तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो अपनी लेंथ के बराबर ही करेगी हर बार, ठीक है, तब आप लोगों को ये प्लस ये वाला चीज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई भी ट्रेन एक ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई लेंथ आप मेजर कर सकते हो, है ना, जिसको मापा जा सकता है, जैसे कि टनल, जैसे कि दूसरी ट्रेन, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सा रास्ता, अगर ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो इस तरीके से दोनों की लेंथ को एड करके बनेगा, बस यही ध्यान रखना है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना अगर आपको आ गया, तो मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन से आप लोगों को ट्रेन वाले क्वेश्चन करने में मदद मिलने वाली है। दोनों टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, मैं एक क्वेश्चन कम्युनिटी पे भी डालने वाली हूँ आज, तो इसी ट्रिक को फॉलो करके जरूर सॉल्व करके आंसर मुझे कम्युनिटी में बताइएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके कोई डाउट है तो भी बताना, और ट्रिक अगर समझ में आई तो भी जरूर कॉमेंट करके बताना, बच्चों के साथ में शेयर करना, सो देट जिनको नहीं आता है उनको भी ये वाला ट्रिक आ जाए और वो भी ये ट्रेन वाला क्वेश्चन कर सके। कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आप और कौन से मैथमेटिक्स के ट्रिक चाहते हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से इसी तरीके से किसी एक और शानदार ट्रिक वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।